मेंसुरेशन के पार्ट 25 में उदाहरण चालू हो रहा है और हिसाब का क्षेत्रफल देख करके कितने क्षेत्रफल में यानी जगह में हिसाब लिखा हुआ है इस पर नहीं जाओ, जितना दूर में लिखा हुआ है ना जितने जगह में उससे आधा में बनता है। तो तू लोग पहले तो फिगर बनाना सीखो, इसमें दो या तीन फिगर महत्वपूर्ण है जिसको सीखने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो गोला का तुम लोग बना ही लोगे, बेलन का बना लोगे, शंकु का बना लोगे, घन घनाभ का बना लोगे। और हिसाब बनाने के क्रम में कुछ ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जैसे इसी में, जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से सीख जाना है। अब प्रैक्टिस में भी टेक्निक है। अब देखो इस हिसाब को पहले देखो, शांता, शांता इज ए गर्ल, कोई लड़की है। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। उद्योग जो चलाएगी तो खुले आसमान के नीचे नहीं, एक विशेष प्रकार का घर बनाया गया है जिसको कहा जाता है शेड, समझा ना। जैसे मान लो कहीं भी इंडस्ट्री है तो वर्कर होता है ना जी, काम करने वाला श्रमिक, तो उसको काम करने के लिए एक जगह बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है जो विशेष प्रकार का घर होता है। अब रहने वाला घर बना देगा उस टाइप का नहीं, जहां पर 50, 100, 200, 400 मजदूर काम कर सके। तो ऐसा जगह जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम लोग जाते हैं ना, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो बना रहता है जिसमें यात्री सब गाड़ी के इंतजार में बैठा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशन से तो गाड़ी खुलती है, स्टेशन पर बारिश होने लगी, गाड़ी खुलने में अभी मान लो लेट है तो यात्री कहाँ रहेगा, गाड़ी में जाएगा। मान लो उस स्टेशन पर गाड़ी आने ही वाली है और बारिश शुरू है किसी स्टेशन पर, तो यात्री को बैठने के लिए यात्री शेड बनाया जाता है। शेड एक विशेष प्रकार का घर होता है जिसमें कोई फैक्ट्री वगैरह का मजदूर काम करेगा तो उसके लिए बनाया जाता है, या हम लोग बस स्टैंड पर जाते हैं तो यात्री शेड तू लोग देखा होगा बहुत जगह बनाया रहता है ना, यानी ये मजदूरों को कार्य करने के लिए शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड का मतलब विशेष प्रकार का घर। तो यह कैसा घर है? तो यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। इसके बाद डाटा दिया हुआ है, यही तक आओ। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। अर्धबेलन का अर्थ समझा? जैसे ये बेलनाकार आकृति है ना, इसको बीचे बीच आधा का मतलब ऐसे काट दोगे तो बेलन ही रहेगा। ऊंचाई के अनुसार इसमें पूरा इसको दो भाग कर दो, काट करके एक भाग जो अलग होगा किस टाइप का होगा। तो अब ये देखो, ये संपूर्ण बेलन कागज का बेलन है ना, तो इसको अगर हम दो भाग में यहाँ से ऐसे और ऐसे काट दे तो कैसी आकृति बनेगी? तो भीतर में देख रहे हो कि ये ऐसी आकृति बनेगी, आधा बेलन का भाग लग रहा है ना, देखो तो, और आधा इधर से जोड़ दो, नीचे से आधा जोड़ दो तो संपूर्ण बेलन होगा। तो इसको कहा जाएगा अर्ध बेलन, समझा? ऐसा नहीं जो एक बेलन है ये, एक ये पूरा बेलन है और इसको आधा पर काट देंगे तब बचा हुआ भी बेलन, बेलन दो भाग में हो जाएगा, एक छोटा बेलन, एक एक बड़ा एक छोटा, या सामान्य बेलन। अर्ध बेलन का अर्थ हुआ इसको बीच में कैंची से
इस ढंग से ऊपर वाला ये नीचे वाला तल भी काट दो, इसी के ठीक सामने ऊपर वाला काट दो, तो दोनों अलग होगा। ये ऊपर वाला देखो आधा बेलन है और नीचे वाला ये घनाभ है, तो घनाभ का पूरा चित्र बनाओगे तब बेलन का ऊपर से सेटिंग करोगे, ये इम्पॉसिबल है। इस टाइप की आकृति बनेगी। ये ऊपर वाला अर्ध बेलन है जो एक घनाभ के ऊपर आरोपित है, यानी सेटिंग किया गया है। तो शांता का ये शेड है जिसमें श्रमिक लोग काम करता है। इसको बनाएंगे कैसे, इस टेक्निक को जानो। इसको मान लो हम मिटा दिए। अब इस हिसाब के अनुसार एक घनाभ पर अर्ध बेलन का सेटिंग करना है, तो पहले एक आयत बना लो। समझा? तो खरा खरा उंग रहा है। सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। इसके बाद देखो इस पर कितना कोण बनेगा। किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। किसी सरल रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु के जो को एक और 180 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना। तो मान करके चलो ये एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, तो 180 डिग्री का नहीं बल्कि जैसे मान लो यहाँ ए बी है, एक दो डिग्री कम, 180 में एक दो तीन डिग्री कम, यानी कम कोण बनाएंगे 180 डिग्री से दो डिग्री कम, तो 178 डिग्री होगा, दो तीन डिग्री कम। अगर सीधी सरल रेखा ले जाएंगे तब तो ये कोण 180 हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक दो डिग्री काट लो यहाँ, ऐसा कर दो तीर का। अब ये 180 नहीं हुआ, थोड़ा घट गया। तो इसी तरह यहाँ जो है इसको बिल्कुल सीधे नहीं जाने दो बल्कि थोड़ा सा तीखा कर दो। समझा? और पुनः इसके समानांतर यहाँ खींचो। पहले ऊपर वाला खींच लोगे तो नीचे में दिखाई देगा, ठीक से बनेगा। समझ गया? इस पर अर्धगोला बनाओ, क्योंकि बेलन का दोनों सिरा वृत्ताकार होता है, तो आधा बेलन है, तो इस पर सीख रहा है। और इसके समानांतर लगभग इसके मध्य बिंदु से, इसके समानांतर इसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींचो। थोड़ा छोटा इसको मिला देंगे, इसके समानांतर ही मिलाना है।
फिर इसके समानांतर खींचे, इससे थोड़ा पहले यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर फिर यही हो गया सेल। चित्र बनाने का तरीका समझा, पहले एक आयत बना लो, आयत के ऊपर में अर्धगोला बना लो, और फिर ये बिल्कुल नहीं सीधे जाने देंगे, थोड़ा सा काटेंगे एक दो डिग्री से, 180 नहीं, और फिर इस ये जो बनाएंगे काटेंगे तो इसके समानांतर ये खींचे, और फिर इसके समानांतर ये खींचकर मिला दिए। तो नीचे वाला पोर्शन लग रहा है ना किताब का पन्ना, यहाँ अर्धगोला बनाएंगे बीच से लेकर के पुनः इसके समानांतर खींच दिए, इसके बराबर नहीं ले जाकर के थोड़ा पहले छोड़ करके ऐसे अर्धवृत्ताकार कर दो, बस यही हो गया। ये ऊपर में जो है ये अर्धबेलन हो गया और ये घनाभ हो गया, इसी टाइप का चित्र बनेगा। घनाभ के ऊपर अर्धबेलन का सेटिंग है, यही एक घर हो गया जिसमें शांता का लेबर काम करेगा ये इंडस्ट्री के लिए, और थोड़ा अच्छा करना चाहते हो तो इसको थोड़ा साइड से हरे है तो मान लो थोड़ा बहुत डिजाइन भी कर सकते हो। इसे कर देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके इसको कैसे बनाएंगे समझाना। अब देखो क्या है, यदि इस शेड की आधार की बीमाएं 7 मीटर × 15 मीटर है तो बीमा का अर्थ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आधार की बीमाएं, तो आधार का मतलब निचला सतह, तो निचला सतह में ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया घर का, और ये हुआ ऊंचाई, तो आधार की बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, समझ रहे हो, तू समझ रहा है। तो दो बीमा दिया है, आधार की बीमाएं, तो आधार की बीमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई तो अलग होता है, तो आधार की बीमा में लंबाई चौड़ाई होता है जो दिया हुआ है 7 मीटर × 15 मीटर, तो कम वाला होगा चौड़ाई और अधिक वाला लंबाई होगा, ये हो गया 7 मीटर ए बी, 80 बी सी हो गया लंबाई 15 मीटर, तथा घनाभ के आकार घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, ऊंचाई हो गया ए बी सी डी, डी डी हो गया ऊंचाई 8 मीटर। समझ रहा है, 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, पहले इसको बनाओ। शेड में यानी इस घर में कितनी हवा है, हवा भी स्थान घेरता है ना जी, तो हवा का भी आयतन होगा, इसका आयतन निकाल लो। तो इस शेड में कितनी हवा है उसका आयतन निकालना है सबसे पहले। तो
अगर किसी बैलून में हवा है तो कितनी हवा होगी, इस बैलून के भीतर कुल कितना जगह है ना। अगर ये बेलन है तो इस बेलन में कितनी हवा होगी, बेलन के आयतन के बराबर। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं या कोई खड़ा है तो हम लोग कितना हवा हटा करके खड़े हैं। हम लोग चलते हैं तो तुम लोगों को मालूम है सामने वाला हवा को हटा करके चलते हैं, और हम लोग बैठे रहे या सोए रहे या चलते रहे, हम लोग अपने आयतन के बराबर हवा को हटाते हैं। एक बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो बाल्टी का आयतन जितना रहेगा उतना। तो इस शेड में कितनी हवा होगी, तो इस शेड का आयतन जितना होगा उतनी ही होगी। तो इस शेड का पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, जो आयतन होगा वही आयतन इसमें रहने वाली हवा का आयतन होगा। तो शेड का आयतन शेड किस टाइप का है, घनाभ के ऊपर अर्ध बेलन सेटिंग है, तो घनाभ का आयतन जोर अर्ध बेलन का आयतन होगा। तो शेड का आयतन बराबर समझ रहे हो, घनाभ का आयतन कितना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा ना। जोर संपूर्ण बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तू लोग फॉर्मूला को जवान पर याद रखा करो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो पूरे पूरी बेलन का होता है, बेलन में अगर चीरा लगा दे दो भाग कर ले आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, छोड़ो ना। तो ये तो पूरे बेलन का होता है, तो अर्ध बेलन का आधा होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आधा बेल अर्ध बेलन का दो से भाग लग जाएगा तो बटा टू। अब डाटा में देखो क्या क्या दिया हुआ है, आधार की बीमाएं नीचे में तो घन है, घनाभ है, इसके ऊपर में अर्ध बेलन है, तो घनाभ का आधार इसमें लंबाई और चौड़ाई आता है। तो दिया हुआ है घनाभ के, घनाभ का लंबाई और चौड़ाई है ना। लंबाई हो गया 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। देखो ऊंचाई भी दिया हुआ है, घनाभ की ऊंचाई 8 मीटर। इसके बाद अर्ध बेलन में आ जाओ, ये तो 22/7 हो गया आर, आर त्रिज्या हुआ, तो ये आधा ये अर्ध वृत्त है ना जी। तो अर्ध वृत्त का ये केंद्र होगा और ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। ये मान लेते हैं पी, ये पी साढ़े तीन, पी डी
ये ईडी हो गया एबी के बराबर, घनाब के आम किसी भी तल, घनाब के किसी भी तल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एबी साथ है तो ईडी भी साथ होगा। और ये ईडी ये अर्ध बेलन का अर्ध वृत्त है, पूरा वृत्त तो नहीं बनेगा, अर्ध बेलन है, अर्ध बेलन का ये ईडी व्यास हो गया, हो गया ना। त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा 7/2 मीटर बराबर 3.5 मीटर। तो आर का मान निकल गया त्रिज्या, इसके बाद एक्स, एक्स ऊंचाई हो गया, तो ये बेलन की ऊंचाई है, 11.5। बेलन की ऊंचाई किसको कहोगे बोलो तो, बेलन की अरे ये बेलन का अर्ध बेलन का आयतन इतना है, तो बेलन की ऊंचाई इसमें से बतलाओ तू लोग, तुम बोलो, तू लोग भी सोचो। सही बोली हो, ये जो अर्ध बेलन है, अब इसको फिर एक बार ये देखो, तो ये बेलन है न जी, इसकी ऊंचाई ये होगी, बेलन को सीधे खड़ा रखो रखेंगे ये ऊंचाई होगी, अगर मान लो सतह पर ऐसे कर दिए तो वास्तव में ऊंचाई उसकी वही होगी, यही वाला आकृति को घुमाने से अंतर नहीं पड़ता है, इसको तो अगर सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा, होगा ना। अगर इसमें शेड की ऊंचाई पूछी जाए तो यहाँ से ये एक लंब डालेंगे तो ये होगा, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितना होगा तो समझ गया ना, बेलन को खड़ा करेंगे ये भाग खड़ा होगा तो ये या ये होगा, तो इसको एफ बिंदु मान लेते हैं। बेलन की, बेलन कहते हैं हाँ, अर्ध बेलन की ऊंचाई डीएफ होगा, होगा डीएफ कितना है, बीसी के बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, तो एवं अर्ध बेलन की ऊंचाई इसको एच मान लेंगे तो एच बराबर 15 मीटर। सब डाटा आ गया, इसमें अब सेटिंग कर दो, इसको कोस्ट में दे देते हैं, बराबर के आगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 मीटर 7 मीटर 8 मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आ गया, जोड़ पाई यानी 22/7, ये दो नीचे में है ही, आर स्क्वायर, आर का मान हो गया ये दो नीचे वाला 7/2 लिख देते हैं, समझ जाएगा, आर, आर का मान हो गया त्रिज्या 7/3.5, 3.5 मीटर आर स्क्वायर, तो 3.5 का होल स्क्वायर का 3.5 मीटर गुने 3.5 मीटर, आर स्क्वायर हो गया गुने एच, एच हो गया 15 मीटर।
कोई चीज कटने वाला है तो है, दो को 22 को काटेंगे 11, ये 7 कट गया तो 10.5, नीचे में कुछ नहीं बता, नहीं बता। अब गुना करते जाओ, 15 8 को गुना करेंगे 120, और 120 आ ये 7 है तो 0 को रहने दो, 12 7 84, 840 होगा इतना। मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यूब कहो या घन मीटर कहो, तो चलो घन मीटर जोड़ 11 को 11 55 यानी 5.5, ये ऊपर वाला हम छाँट लेते हैं, 11 × 10.5 × 3.5 × 15, नीचे में कुछ नहीं है, इसको गुना करो देखो कितना होता है, 11 × 55 यानी 5.5 और 3.5 को 15 से गुना करेंगे, ये हो गया 15 × 5 = 75, 7 बच गया और 15 × 3 = 45 और 7 = 52 0.1 अंक के बाद, तो 52.5 रुपया में 5.5 रुपया जोड़ेंगे कितना होगा, इसको ऐसे जोड़ो 5.5 यानी 5.5 रुपया, 52.5 52 रुपया, 52 × 5 = 57 तो गुना है जी, सॉरी पाँच सौ पच्चीस, फिर छब्बीस सौ पच्चीस, दशमलव 2 अंक के बाद 288.75, ये हो गया 288.75। एक बार मीटर 2 3 तो घन मीटर, अब इसको जोड़ेंगे 0.75 और 8 × 12 1 2 3 8 11 1128.75 घन मीटर। ये किसका आयतन हो गया, ये शेड का आयतन हुआ, तो शेड का जितना आयतन होगा उसमें आने वाली हवा का भी आयतन उतना ही होगा, होगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात शेड में समावेश होने वाली हवा अर्थात समावेशित हवा का आयतन 1128.75 घन मीटर होगा, लिख सकते हैं। तो तू लोग इतना को उतारो, और चित्र कैसे बनाओगे थोड़ा सोच समझ करके बनाओ, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन निकल गया है, क्योंकि पूरा शेड का ही आयतन निकल गया, Thank you.
देखो शेड में समावेशित होने वाली हवा का आयतन इतना। पहला आंसर निकला समावेशित होने वाली हवा, इसका अर्थ हुआ इसके भीतर में जितनी हवा होगी उसी को कहेंगे समावेशित होने वाली हवा। इससे आगे आओ, पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.8 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। जब शेड में कोई नहीं होगा उस समय इतनी हवा रहेगी। ग्लास में तुम लोग ये बोलो, इस ग्लास में मान लेते हैं 10 घन मीटर पानी है, पानी का आयतन। अगर हम इसमें 5 रुपया वाला एक क्वाइन डाल दे, ये ऊपर तक इसका तल भरा हुआ है, पानी लबालब भरा हुआ है, एक 5 रुपया का सिक्का डालेंगे तो बोलो पानी गिरेगा कि रहेगा, नहीं गिरेगा। गिरेगा, ग्लास के बाहर कितना पानी निकलेगा। सिक्का चूंकि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, सिक्का जब भरे हुए पानी के ग्लास में डाला जाएगा तो अपने आयतन के बराबर वह पानी हटाएगा, अर्थात सिक्के के द्वारा हटाया गया पानी पानी का आयतन बराबर सिक्के का आयतन होगा। भरे हुए ग्लास में तू क्या करो, इसी मार्कर को मान लो इतना ही भाग इसमें डालो तो देखना जो साइड से पानी गिर रहा है तो इस पानी का आयतन निकाल लो, मार्कर के इस पोर्शन का आयतन निकालोगे दोनों बराबर हो जाएगा। किसी भरे हुए बाल्टी में पानी से भरे हुए बाल्टी हो या मान लो बेलन हो या घन के आकार का बर्तन हो, कोई भी पिंड अपने आयतन के बराबर स्थान घेरता है। तो भरे हुए ग्लास में अगर शीशे की एक गोलाकार गोली डालेंगे तो इसमें से कितना पानी गिरेगा नीचे। तो गोली के द्वारा, शीशे के गोली के द्वारा हटाया गया पानी का आयतन बराबर शीशे की गोली का आयतन, यानी गोली अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा। तो इसी तरह शेड के भीतर अभी हवा है, एक आदमी जब प्रवेश कर जाएगा तो एक आदमी कितना हवा हटाएगा, चलो बोलो। अपने आयतन के बराबर, एक को इसमें मार्कर भी रख देंगे तो मार्कर अपने आयतन के बराबर हवा हटाएगा और ये हवा बाहर चली जाएगी मार्कर को भीतर रखने पर। हम लोग कहीं भी रहे, रूम में रहे तो रूम में जो पहले से जितनी हवा है तो हम लोगों के द्वारा प्रवेश किए जाने पर कितनी हवा निकल जाएगी रूम से। हम लोग अपने आयतन के बराबर हवा हटाएंगे। एक पलंग रख दो खाली रूम में तो खाली रूम में हवा का जितना आयतन होगा, एक पलंग रख दिए जाने पर हवा के आयतन में कमी आएगी कि वृद्धि होगी कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कमी आएगी, कितनी कमी आएगी तो पलंग के द्वारा पलंग का जितना आयतन रहेगा, पलंग अपने आयतन के बराबर हवा को निष्कासित करेगा, है ना ऐसी बात। तो इसमें दिया हुआ है, पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब यानी 300 घन मीटर स्थान घेरती है
इसका मतलब 300 घन मीटर हवा निकल जाएगी और शेड के अंदर 20 श्रमिक बैठा है लेबर, तो 20 लेबर अपने आयतन के बराबर हवा हटाएगा, तो देखो जिनमें से प्रत्येक 0.8 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता है, एक लेबर कितना स्थान घेरता है, तो 0.8 मीटर क्यूब, तो 20 लेबर इसको 20 से गुना कर देंगे उतना स्थान घेरेगा, और मशीनरी कितना स्थान घेरता है, तो 300 घन मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं मशीनरी शेड के भीतर रखे जाने पर मशीनरी के द्वारा हटाए गए हवा का आयतन बराबर मशीनरी का आयतन होगा। मशीनरी का आयतन 300 घन मीटर दिया हुआ है तथा 20 श्रमिक के द्वारा हटाए गए हवा का आयतन बराबर 20 श्रमिक का आयतन, तो एक श्रमिक का आयतन है इतना, तो 20 श्रमिक का 20 से गुना कर दिए तो 16 घन मीटर हो गया। तो मशीनरी एवं 20 श्रमिक के द्वारा शेड के भीतर हटाए गए हवा का आयतन कितना होगा, आयतन दोनों को जोड़ देंगे मशीनरी का आयतन तथा 20 श्रमिक का आयतन, मशीनरी का आयतन हो गया 300 घन मीटर। जोड़ 20 श्रमिक का आयतन हो गया 16 घन मीटर। बराबर हो गया 316 घन मीटर।
इतना समझा तू लोग? इसलिए इतना लिख लो, इसके बाद इतना लिखो तो चलो देखो इधर शेड में, जब शेड खाली था तब शेड में हवा का आयतन इतना था जितना शेड का आयतन है, लेकिन शेड में मशीनरी एवं 20 श्रमिक की उपस्थिति के कारण, यानी मशीन भी है मशीनरी और 20 श्रमिक आ गया है, मशीन है तो श्रमिक मतलब लेबर काम करने वाला, तो 20 लेबर और मशीनरी की उपस्थिति के कारण शेड में कितनी हवा रहेगी? तो शेड का कुल आयतन शेड के कुल आयतन में से क्या माइनस होगा बोलो तो? मशीनरी एवं 20 श्रमिक के द्वारा हाँ लिखेंगे ना, ये 20 श्रमिक एवं मशीनरी का आयतन, शेड के कुल आयतन में से 20 श्रमिक एवं मशीनरी के आयतन का योग घटा देंगे, यानी 20 श्रमिक और मशीनरी के आयतन को जोड़ने पर जो होगा शेड के आयतन में से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ इसमें हवा का आयतन उतना ही नहीं रहेगा, तो शेड का कुल आयतन है 1128.75 घन मीटर, ये शेड का कुल आयतन माइनस 20 श्रमिक एवं मशीनरी के कारण मशीनरी के आयतन का योग, 20 श्रमिक के द्वारा हटाए गए हवा का आयतन ये है 316 है ना, और वो मशीनरी तथा 20 श्रमिक के द्वारा दोनों के द्वारा हटाया गया आयतन है 316 घन मीटर। कितना होगा घटा करके? 0.75 इसमें से ये घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 812.75 घन मीटर हवा उसमें बची रह जाएगी, यानी शेड में मशीनरी एवं 20 श्रमिक की उपस्थिति के कारण हवा का आयतन इतना रह जाएगा, है ना? ये हो गया आंसर। और कितना हवा आएगा तो इसका आयतन जो है शेड का कुल आयतन
कितनी हवा आएगी, तो ये भी हो गया आंसर। समझा इसको? तो चित्र बनाना मेन चीज है, हिसाब तो इजी है। तो अब अगले पार्ट में